प्रदेश के कई हिस्सों में बेहिसाब बारिश हो रही है और इसके कारण अब आम जनजीवन पूरी तरह परेशान है। ताजा तस्वीरें मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर क्षेत्र अंतर्गत ओरछा से सामने आई हैं। ओरछा में जामुनी और बेतवा का जल स्तर बढ़ जाने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। ऐसी ही स्थितियां मंगलवार को बन गईं। यहां पर एक गांव में 10 साल के बच्चे की तबीयत खराब थी। परिवार के लोग उसे इलाज के लिए झांसी ले जाना चाहते थे, लेकिन गांव से बच्चे को बाहर ले जाने के लिए बीच में मौजूद नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था। ऐसे में परिवार के लोगों ने इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू के जरिए इस बीमार बच्चे को नदी पार कराई। परिवार के लोग इस बच्चे को नदी पार कराने के बाद उपचार के लिए झांसी लेकर पहुंचे। यहां मौजूद लोगों ने एनडीआरएफ टीम की सराहना की है। इस तरफ से जामनी नदी है जिसका बहाव पुल के ऊपर हुआ है और इस तरफ से बेतवा नदी इसका पुल भी डूब चुका है और काफ़ी बहाव है। यहां से सूचना प्राप्त हुई थी 10 माह का बच्चा है जिसको बहुत ही तेज बुखार और उसकी हालत काफ़ी सीरियस है, उसको नदी पार करा के झांसी पहुँचाना है। तो वो सूचना पर तुरंत टीम गठित हुई उम्बाड़ा एवं एसडीआरएफ के सहयोग और रेस्क्यू कर उनको अस्पताल लाया गया और उपचार के लिए झांसी दिया जा रहा है।